हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम द टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग, जो आपके यूजीसी नेट पेपर वन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और वीडियोज़ का बेनिफिट उठा पाएँ। हमने यूजीसी नेट के लिए एक स्पेसिफिक चैनल भी क्रिएट किया है, अनुज जिंदल यूजीसी नेट, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो सिलॉजिज्म, स्क्वेयर ऑफ ऑपोजिशन, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ बोथ द प्रीमाइसिस इज सेम बट दे डिफर इन क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, इट इज नोन एज। अब देखिए, ये स्क्वेयर ऑफ ऑपोजिशन का क्वेश्चन है, ये आपको देखते ही समझ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी एंड क्वांटिटीज की बात करी है। तो मैंने आपको बताया था चार तरीके की कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होती हैं, ए, ई, आई एंड ओ। ये चार कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होती हैं। ए होती है आपकी यूनिवर्सल पॉजिटिव, ई होती है यूनिवर्सल नेगेटिव, आई होती है पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड ओ होती है पर्टिकुलर नेगेटिव। मैंने आपको एक वीडियो में प्रोपोजिशंस के बीच के रिलेशन के बारे में भी बताया था, तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स सेम है बट क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों अलग है। तो ऐसी कौन सी प्रोपोजिशंस होती हैं? तो आप अगर रिकॉल करें तो मैंने आपको बताया था कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो होती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो होती हैं कौन सी होती हैं? दो पेयर्स होते हैं, ए एंड ओ एंड ई एंड आई। ये हमारे दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स के पेयर्स हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था इनमें क्वांटिटी भी अलग है और क्वालिटी भी अलग है। कैसे अलग है? अब अगर आप देखें ए, तो ए स्टेटमेंट जो होती है वो आपकी यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती है और ओ स्टेटमेंट जो होती है वो आपकी पर्टिकुलर स्टेटमेंट होती है। तो ये तो हमने बात करी क्वांटिटी की, और अगर क्वालिटी की बात करें तो ए स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव होती है एंड ओ स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी भी डिफरेंट है एंड क्वालिटी भी डिफरेंट है। सिमिलरली अगर मैं ई एंड आई की बात करूँ तो ई आपकी यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती है, आई आपकी पर्टिकुलर स्टेटमेंट होती है एंड ई आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट होती है, जबकि आई जो होती है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है। तो आप देख सकते हैं दोनों पेयर्स में क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों डिफरेंट है। तो ये होती है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, या इनको हम कॉन्ट्राडिक्टरीज भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होगा। तो अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू शो करूँ, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से ए स्टेटमेंट है हमारी ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो यहाँ पे डॉग्स हमारा सब्जेक्ट है और कैट्स हमारा प्रेडिकेट है। हमारी ओ स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एंड ओ में दोनों में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम है बट इनके क्वांटिटी एंड क्वालिटी में डिफरेंस है। ए में ऑल आ रहा है, ओ में सम आ रहा है, क्योंकि ए यूनिवर्सल है और ओ जो है पर्टिकुलर है। सिमिलरली ए में आर आ रहा है और ओ में आर नॉट आ रहा है, क्योंकि ए जो है वो पॉजिटिव है और ओ जो है वो नेगेटिव है। इसी तरीके से आप ई एंड आई के लिए भी देख सकते हैं। तो जो आपकी ई स्टेटमेंट होगी वो हो जाएगी नो डॉग्स आर कैट्स, और आई स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? सम डॉग्स आर कैट्स। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है बट ई जो है वो यूनिवर्सल है, आई आपकी पर्टिकुलर है, और ई जो है वो नेगेटिव है और आई आपकी पॉजिटिव है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कॉन्ट्राडिक्टरीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन टू, द प्रोपोजिशन ऑल बर्ड्स आर काउज इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी मैंने आपको अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था ए टाइप स्टेटमेंट को हम आई में कन्वर्ट कर सकते हैं, ई को हम ओ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको कुछ कन्वर्जन के रूल्स बताए थे, तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं ऑल बर्ड्स आर काउज। अभी ऑल बर्ड्स आर काउज किस टाइप की स्टेटमेंट है? ये आपकी ए टाइप स्टेटमेंट है, तो ये आई टाइप स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो सकती है, राइट? तो अब यहां पूछा है ये स्टेटमेंट किस प्रोपोजिशन के इक्विवेलेंट है। अब अगर देखिए ऑल बर्ड्स आर काउज है जो कि आपकी ए टाइप स्टेटमेंट है, तो ये आई टाइप स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि सम बर्ड्स आर काउज, इसमें भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और सम काउज आर बर्ड्स, ये भी सही है। तो आपकी जो ऑल बर्ड्स आर काउज प्रोपोजिशन है, इट इज इक्वल टू सम बर्ड्स आर काउज एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू सम काउज आर बर्ड्स। तो आपके ऑप्शन थ्री एंड ऑप्शन वन ये तो वैसे ही ठीक हो गए, राइट?
अब हम बात करें ऑप्शन टू की. ऑप्शन टू क्या कह रहा है? सम काउस आर नॉट नॉन बर्ड्स. अभी आपको बड़ा ध्यान से समझना है. अगर मैं इसका आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो मान लीजिए ये काउस और ये बर्ड्स. लेट्स से दिस इज काउस एंड दिस इज बर्ड्स. तो ये बोल रहा है सम काउस आर नॉट नॉन बर्ड्स. तो देखिए ये वाली जो काउस हैं ये वो काउस हैं जो बर्ड्स नहीं है. तो दीज आर द काउस विच आर नॉट बर्ड्स. बट यहां पे बोला है सम काउस आर नॉट नॉन बर्ड्स. तो ऐसी कौन सी काउस है जो नॉन बर्ड्स नहीं है? ऐसी तो वही काउस होगी ना जो बर्ड्स होंगी. तो यानी कि ये कॉमन एरिया की बात कर रहे हैं दिस वन. और ये हमें पता है कॉमन एरिया को हम क्या बोलते हैं? सम काउस आर बर्ड्स या फिर सम बर्ड्स आर काउस, ये भी बोल सकते हैं. तो इसका मतलब है स्टेटमेंट टू जो है इट इज इक्वल टू योर स्टेटमेंट वन, राइट? तो स्टेटमेंट वन और टू तो बिल्कुल सेम ही हो गई. तो टू भी आपकी सही हो जाएगी. तो वन भी सही है, टू भी सही है, थ्री भी सही है. अब हम बात करें फोर्थ की, मैनी बर्ड्स आर काउस. तो ये भी सही है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चाहे मैनी लिखा हो, चाहे मोस्ट लिखा हो, अ फ्यू लिखा हो, सर्टेन लिखा हो, तो ये सारे वर्ड्स का मतलब सम ही होता है. ये भी मैंने आपको वीडियो के थ्रू समझाया था. तो यहाँ पे चारों सही हैं. तो ऑल बर्ड्स आर काउस इज इक्विवेलेंट टू ऑल द फोर. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन सी, वन टू थ्री एंड फोर. नाउ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन थ्री, इफ प्रोपोजिशन स्टूडेंट्स आर सीरियस इज टेकन टू बी फॉल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी ट्रू. अब देखिए स्टूडेंट्स आर सीरियस, ये आपकी कौन से टाइप की स्टेटमेंट है? ये आपकी ए टाइप स्टेटमेंट है. जब भी आपको ऐसी कोई स्टेटमेंट हो कि स्टूडेंट्स आर सीरियस या डॉग्स आर कैट्स, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली समझना है कि उससे पहले ऑल लगा है. तो स्टूडेंट्स आर सीरियस का मतलब हम ऑल स्टूडेंट्स आर सीरियस भी समझ सकते हैं. अगर ऑल नहीं भी लिखा है यहाँ पे तब भी ये इम्प्लाइड है कि इसका मतलब है ऑल स्टूडेंट्स आर सीरियस, राइट? तो ये बोल रहे हैं कि ये अगर फॉल्स है तो नीचे दी गई चार प्रोपोजिशंस में से कौन सी ट्रू होगी, कन्फर्म ट्रू होगी, राइट? तो ये भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक वीडियो में समझाया था कि प्रोपोजिशंस के बीच में रिलेशन क्या होगा, अगर एक ट्रू है तो कौन सी फॉल्स होगी, इस तरीके से. तो मैं आपको यहाँ ब्रीफ में समझा देता हूँ. तो ये हमारा स्क्वेयर ऑफ ऑपोजिशन होता है ए ई आई एंड ओ. तो ए और ई के बीच में रिलेशन क्या होता है? कॉन्ट्ररी, ये मैंने बताया था. ऐसे ही आई और ओ के बीच में होता है सब कॉन्ट्ररी. देन अगर मैं बात करूं ए ओ या फिर आई ई, इनके बीच के रिलेशन को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट्री. और ए आई या फिर ई एंड ओ, इनके बीच के रिलेशन को बोलते हैं सब ऑल्टर्न, राइट? तो अगर हम ए से आई जाते हैं या ई से ओ जाते हैं तो सब ऑल्टर्न, और आई से ए जाते हैं या ओ से ई जाते हैं तो सुपर ऑल्टर्न, राइट? तो अगर आपका ए स्टेटमेंट जो है यानी कि यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है अगर वो फॉल्स है, सो इफ दिस इज फॉल्स, तो आपको पता है ए एंड ओ जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट्री है, इसका मतलब ओ स्टेटमेंट तो आपका ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, राइट? एंड अगर मैं ई की बात करूं तो देखिए ए एंड ई जो होते हैं इनको हम कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ए एंड ई. तो मैंने आपको बताया था ये दोनों स्टेटमेंट्स कभी भी एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, दोनों फॉल्स हो सकते हैं, या एक ट्रू हो सकता है दूसरा फॉल्स, या पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू, यही तीन पॉसिबिलिटी है. तो अगर ए फॉल्स है तो ई जो है वो ट्रू भी हो सकता है और वो फॉल्स भी हो सकता है, हम कंफर्म तो नहीं कह सकते, राइट? और ऐसे ही अगर आप आई स्टेटमेंट देखें तो अगर आपका ए जो है वो फॉल्स है तो जो आपका आई होगा उसके लिए भी हम कंफर्म नहीं कह सकते, वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है. तो जो आई है आपका वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. बट सिर्फ हम कंफर्मेशन के साथ ओ स्टेटमेंट की बात कर सकते हैं कि अगर ए फॉल्स है तो ओ जो स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू होगी. क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट्री है, एक ट्रू होता है तो दूसरा फॉल्स होता ही होता है, राइट? अब हम इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं. तो अगर ये प्रोपोजिशन जो है हमारी स्टूडेंट्स आर सीरियस, देखिए अगर ये ट्रू होती तो हमारे दो पॉसिबल केसेस हो सकते थे, या तो ये स्टूडेंट हो जाते और ये बड़ा सर्कल सीरियस हो जाता, या फिर ये दोनों इक्वल हो जाते, सीरियस और स्टूडेंट्स दोनों इक्वल हो जाते, यानी कि कोइंसाइड करते. तो अगर तो ट्रू होता तो ये दो केस होते, बट हमें यहाँ पे बोला है ये फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा. तो हम देखते हैं हमारे कौन से केस बन सकते हैं. यानी कि एक तो ये केस बन जाएगा आपका इंटरसेक्शन वाला, जहाँ पे ये स्टूडेंट होगा ये सीरियस होगा, तो यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स आर सीरियस फॉल्स हो रहा है, राइट? एक आपका केस ये, तो आपका फर्स्ट हो गया. एक आपका केस ये बन सकता है कि आपका सीरियस अंदर आ जाए
एंड आपका स्टूडेंट्स बाहर आ जाए, बाहर वाले सर्कल में। सेकंड केस आपका ये हो सकता है, एंड थर्ड केस आपका क्या हो सकता है, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, दिस इज स्टूडेंट एंड दिस इज सीरियस। तो ये तीन केसेस आपके पॉसिबल हैं अगर, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स दे रखी है, राइट। तो अब हम बाकी की फोर प्रोपोजिशंस के बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहली है ऑल स्टूडेंट्स आर सीरियस। देखिए ऑल स्टूडेंट्स आर सीरियस तो वैसे ही आपकी फॉल्स हो गई, क्योंकि जब यहां पे इसको फॉल्स बता ही दिया ऑलरेडी, स्टूडेंट्स आर सीरियस को फॉल्स बता रखा है क्वेश्चन में, तो ऑल स्टूडेंट्स आर सीरियस भी फॉल्स ही होगा, तो ये तो आपकी यहां पे फॉल्स हो जाएगी, राइट। देन है ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस। अब इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान से समझना है, कई बार स्टूडेंट इसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस का मतलब ये है कि नो स्टूडेंट्स आर सीरियस, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपकी ई टाइप स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज नॉट योर ई टाइप स्टेटमेंट। ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस इसका मतलब है कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस। इसका अगर आप समझेंगे तो इसका मतलब ये निकलता है, सम स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस। तो अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू भी देखें, अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस, तो ये बात ठीक है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं अगर आप इस एरिया को देखें तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सीरियस नहीं है, राइट। सो यहां पे आपका प्रोपोजिशन टू होल्ड कर रहा है। तो अगर आप यहां पे देखें, यहां पे भी जो ये वाले स्टूडेंट्स हैं ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सीरियस नहीं है, तो यहां पे भी आपका प्रोपोजिशन टू होल्ड कर रहा है। और अगर आप थर्ड में देखें तो यहां पे भी, यहां तो सारे स्टूडेंट्स सीरियस नहीं है, तो ये भी ठीक है। तो आपका प्रोपोजिशन टू तीनों केस में सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब आपका प्रोपोजिशन टू जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सम स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस। तो मैंने आपको अभी बताया कि टू और थ्री तो बिल्कुल सेम ही है, तो ये भी ट्रू है, क्योंकि टू और थ्री एक ही बात बोल रहे हैं। एंड अगर हम फोर्थ की बात करें, सम सीरियस वंस आर नॉट स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कुछ सीरियस वंस ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स नहीं है। तो अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं वन टू थ्री डायग्राम के थ्रू। तो वन में देखें तो ये जो सीरियस हैं ये वो हैं जो स्टूडेंट्स नहीं है, तो प्रोपोजिशन फोर आपकी फर्स्ट डायग्राम में तो होल्ड कर रही है। अब अगर मैं सेकंड में देखूं तो सेकंड में होल्ड नहीं कर रही, क्योंकि यहां पे कोई भी ऐसा सीरियस नहीं है जो स्टूडेंट ना हो, तो इसलिए आपकी ये फोर्थ वाली फॉल्स हो जाती है। तो आप देख सकते हैं प्रोपोजिशन टू और थ्री जो है वो ही ट्रू है, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे है ऑप्शन डी, टू एंड थ्री। तो ये चीज आपने देखा, मैंने आपको वेन डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया और मैंने आपको स्क्वेयर ऑफ ऑपोजिशन के थ्रू भी समझा दिया, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको पता हो कि आप चाहे किसी भी मेथड से जाएं आंसर आपका वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फोर। तो ये आपका सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है, इसमें आपको तीन प्रीमाइस दी गई है, तो यहां पे आपको पहचानना है कि मेजर प्रीमाइस कौन सी है, माइनर कौन सी है। तो थर्ड वाला तो आपका कंक्लूजन हो गया, राइट। अब आपको फर्स्ट और सेकंड में देखना है कि फर्स्ट कौन सी है प्रीमाइस और सेकंड कौन सी है प्रीमाइस। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है मिडिल टर्म बताना है, तो मिडिल टर्म ढूंढने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें पता है कि जो कंक्लूजन होता है उसका जो प्रेडिकेट होता है, तो कंक्लूजन का प्रेडिकेट यहां पे जैपनीज है, तो ये आपकी मेजर टर्म होगी, और बार बार जो आपका सब्जेक्ट है वो यहां पे माइनर टर्म हो जाएगी, राइट। और हमें यह भी पता है कि मेजर टर्म जिस प्रीमाइस में आती है वो मेजर प्रीमाइस होती है, तो जैपनीज आपका मेजर टर्म है और जैपनीज यहां पे फर्स्ट प्रीमाइस में आ रहा है, तो ये आपकी हो गई मेजर प्रीमाइस, और बार्बर्स जो कि माइनर टर्म है वो सेकंड प्रीमाइस में आ रहा है, तो वो आपकी हो गई माइनर प्रीमाइस। और अब जो बची हुई टर्म है यानी कि म्यूजिशियन, जो आपकी फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमाइस में कॉमन है, वो आपकी होती है मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म हमारी वो होती है जो हमारी दोनों प्रीमाइस में कॉमन टर्म होती है, तो यहां पे म्यूजिशियन हमारी जो है वो मिडिल टर्म है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं, सब्जेक्ट इन द फर्स्ट प्रीमाइस एंड प्रेडिकेट इन द सेकंड प्रीमाइस, तो ये आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका सही है, क्योंकि म्यूजिशियन जो है वो फर्स्ट प्रीमाइस का सब्जेक्ट है एंड सेकंड प्रीमाइस का प्रेडिकेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फाइव। इफ प्रोपोजिशन सम मिल्क इज कर्ड इज टेकन टू बी ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी फॉल्स। तो ये भी आपका स्क्वेयर ऑफ ऑपोजिशन का है, इसमें भी आपको पहचानना है कि अगर एक टाइप ऑफ प्रीमाइस ट्रू है तो कौन सी प्रीमाइस फॉल्स होगी। तो यहां पे फिर मैं आपको स्क्वेयर ऑफ ऑपोजिशन के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये आपकी ए स्टेटमेंट, ये आपकी ई, यहां पे आई एंड यहां पे ओ। तो देखिए सम मिल्क इज कर्ड, ये कौन सी टाइप की स्टेटमेंट है, ये आपकी आई टाइप स्टेटमेंट है, आई मतलब पर्टिकुलर पॉजिटिव। तो ये आपका हो गया सम मिल्क इज कर्ड। तो यहां पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर ये आई टाइप की स्टेटमेंट जो सम मिल्क इज कर्ड है, अगर ये ट्रू है
तो कौन सी स्टेटमेंट या कौन सी प्रोपोजिशन फॉल्स होगी? तो हमें पता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो एक ट्रू होती है, दूसरी फॉल्स होती है। तो आई की कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है? आई की कॉन्ट्राडिक्टरी है ई, तो ई यहां पे फॉल्स होगी, क्योंकि आई ट्रू है इसलिए ई फॉल्स होगा। तो ई स्टेटमेंट क्या बनेगी यहां पे? नो मिल्क इज कर्ड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नो मिल्क इज कर्ड। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। द प्रोपोजिशन सम ट्रीज आर ग्रीन इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। तो यहां पे आपको पहचानना है कि सम ट्रीज आर ग्रीन जो है वो कौन सी प्रोपोजिशन के इक्वल है। तो ये भी मैंने आपको कन्वर्जन के रूल्स जब बताए थे तब मैंने आपको बताया था। अब देखिए, सम ट्रीज आर ग्रीन ये कौन सी टाइप की स्टेटमेंट है? ये आपकी आई टाइप की स्टेटमेंट है। तो मैंने आपको बताया था आई टाइप की स्टेटमेंट जो होती है वो आई टाइप में कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब क्या है? सम ट्रीज आर ग्रीन को हम सम ग्रीन आर ट्रीज भी बोल सकते हैं। तो सम ग्रीन आर ट्रीज, तो सम ग्रीन थिंग्स आर ट्रीज, ये सेकंड वाला जो प्रोपोजिशन है ये सही हो जाएगा। इसके अलावा मैनी ट्रीज आर ग्रीन, फर्स्ट वाला जो है ये भी ठीक होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था मैनी वर्ड हो, मोस्ट वर्ड हो, अ फ्यू हो या फिर सर्टेन हो, तो ये सारे वर्ड्स का मतलब भी हम सम ले सकते हैं। तो आपका फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। थर्ड है सम ग्रीन थिंग्स आर नॉट नॉन ट्रीज। अब इसको आप ध्यान से समझिए, अगर मैं डायग्राम के थ्रू बताऊं, मान लीजिए ये ग्रीन है और ये ट्रीज है, तो ये कह रहे हैं सम ग्रीन थिंग्स आर नॉट नॉन ट्रीज। तो देखिए, ये वाली जो ग्रीन थिंग्स है ये तो ट्रीज नहीं है, और यहां पे बोल रहे हैं कौन सी ग्रीन थिंग है जो नॉन ट्री नहीं है। तो नॉन ट्री ना होने का मतलब है कि ट्री होना, यानी कि ये कॉमन एरिया। तो ये जो कॉमन एरिया है, डार्क, जो मैंने डार्क यहां पे शेड किया है, डार्क शेड, ये वो एरिया है, ये वो ग्रीन थिंग्स हैं जो नॉन ट्रीज नहीं है, या फिर इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये वो ग्रीन थिंग्स हैं जो ट्रीज हैं। तो सेकंड और थर्ड जो है वो दोनों सेम है, सेकंड और थर्ड सेम ही चीज है, बस बोलने का तरीका अलग है। तो थर्ड भी आपका सही हो जाएगा। एंड अगर हम फोर्थ की बात करें, ट्रीज आर यूजुअली ग्रीन, तो ये भी आपका सही है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मैनी, मोस्ट, अ फ्यू, सर्टेन, ऐसे यूजुअली भी अगर होता है तो उसको भी हम सम की कैटेगरी में ही डालते हैं। तो चारों प्रोपोजिशंस आपकी यहां पे सही हैं। तो सम ट्रीज आर ग्रीन जो है आप उनको इन चारों तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, 1, 2, 3 एंड 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे हमें माइनर टर्म पहचानना है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, सिंपल। तो मैंने आपको बताया था आप सीधा कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होगा वो माइनर टर्म होगा और कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होगा वो मेजर टर्म होगा। तो यहां पे कंक्लूजन का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है इंटरेस्टिंग थिंग्स, और प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट है एडिफाइंग। तो जो हमारा सब्जेक्ट है इंटरेस्टिंग, तो यहां पे जो इंटरेस्टिंग है हमारा, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा है माइनर टर्म, राइट? तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये माइनर टर्म है, जो आप देखिए आपकी सेकंड प्रीमाइस में भी आ रहा है, राइट? तो अब ऑप्शंस देखते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन एंड प्रेडिकेट ऑफ द सेकंड प्रीमाइस। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहां पे सही है, क्योंकि जो इंटरेस्टिंग है वो कंक्लूजन का तो सब्जेक्ट है, और सेकंड प्रीमाइस जो है आपकी ये वाली ऑल बुक्स आर इंटरेस्टिंग, इसका ये प्रेडिकेट है। तो यहां पे आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8। गिवन बिलो आर टू प्रीमाइस विथ 4 कंक्लूजंस ड्रॉन फ्रॉम देम, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी वैलिडली ड्रॉन फ्रॉम द प्रीमाइस। तो इस क्वेश्चन में आपको दो प्रीमाइस दिए हैं, सो इस दो प्रीमाइसिस के बेसिस पे हम बहुत सारे वेन डायग्राम्स बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत सारी होती हैं। तो पहले हम एक बेसिक वेन डायग्राम बनाते हैं, सम रिंग्स आर बेल्स, तो ये रिंग्स हैं, ये बेल्स है और बीच का कॉमन एरिया, एंड नो रिंग इज एन ऑर्नामेंट। तो मान लीजिए यहाँ पे हम ऑर्नामेंट बना देते हैं, तो यहाँ पे रिंग और ऑर्नामेंट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये तो हमारा एक पॉसिबल डायग्राम है, ऐसे बहुत सारे डायग्राम पॉसिबल हम बना सकते हैं। तो अब हमारे कंक्लूजन दे रखे हैं, हमें देखना है कौन सा कंक्लूजन जो है हमारा वो सही है। अब देखिए, कंक्लूजन वही सही होता है जो हर केस में होल्ड करे। तो बेसिकली सिलोजिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमारी अप्रोच उल्टी होनी चाहिए, यानी कि हमें ट्राई करना चाहिए कि हम किसी ना किसी तरीके से कंक्लूजन को गलत प्रूफ कर दें। तो अगर हम कंक्लूजन को गलत प्रूफ कर पाते हैं तो वो कंक्लूजन वैलिड नहीं होती, बट अगर हम किसी कंक्लूजन को रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पाते सारे डायग्राम्स को देखते हुए, तो फिर वो कंक्लूजन वैलिड होती है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे अप्रोच ये रहेगा कि हमें देखना है कि हम कंक्लूजन को गलत प्रूफ कर पाएं, और अगर हम गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे
तो इसका मतलब वो वैलिड कंक्लूजन होगी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है ऑल बेल्स आर ऑर्नामेंट्स। अब आप इस डायग्राम में देखिए, क्या सारी बेल्स ऑर्नामेंट्स हैं? नहीं है, तो ये आपकी यहीं पे गलत हो गई, तो आपकी फर्स्ट कंक्लूजन तो गलत हो गया। सेकंड, सम ऑर्नामेंट्स आर नॉट बेल्स। तो कह रहे हैं कुछ ऑर्नामेंट्स ऐसे हैं जो बेल्स ना हो, तो हमारे इस डायग्राम में तो ये कंक्लूजन वैलिड होल्ड कर रहा है, क्योंकि हमारे ऐसे ऑर्नामेंट्स हैं जो बेल्स नहीं है। अब हम कोशिश करते हैं कि इस कंक्लूजन को गलत प्रूफ कर पाए, तो मैं इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए एक और वेन डायग्राम बना सकता हूं। तो ये रिंग्स आपका, ये वाला सर्कल बेल्स, और ऑर्नामेंट्स में बेल्स के अंदर इस तरीके से बना सकता हूं। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे मैंने सारे के सारे ऑर्नामेंट्स बेल्स का पार्ट बना दिए, बट ऑर्नामेंट्स और रिंग के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मेरी दोनों प्रिमाइस अभी भी होल्ड कर रही है, राइट। तो अब आप सेकंड कंक्लूजन को रीड करें, सम ऑर्नामेंट्स आर नॉट बेल्स। क्या ऐसा हो रहा है? क्या कुछ ऑर्नामेंट्स ऐसे हैं जो बेल्स नहीं है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी यहां पे रॉन्ग हो जाती है हमारे सेकंड डायग्राम के थ्रू, क्योंकि सारे के सारे ऑर्नामेंट्स ही बेल्स के पार्ट है। थर्ड देखते हैं, नो रिंग इज अ बेल। कह रहे कोई भी रिंग जो है वो बेल नहीं है, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रिमाइस ही बोल रही है सम रिंग्स आर बेल, तो थर्ड भी हमारा गलत हो गया। और फोर्थ है, ऑल बेल्स आर नॉट ऑर्नामेंट्स। सारी बेल्स ऑर्नामेंट्स नहीं है। तो अगर आप इस फोर्थ स्टेटमेंट को देखें, तो सारी बेल्स कभी भी ऑर्नामेंट्स हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर आप लॉजिकली सोचें, हमने बोला है कि सम रिंग्स आर बेल्स, तो बेल्स और रिंग्स इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन एरिया तो होगा ही, क्योंकि सम रिंग्स आर बेल्स है, तो कुछ ना कुछ कॉमन एरिया यहां पे होगा ही होगा। तो कुछ बेल्स ऐसी होंगी जो रिंग्स भी होंगी हमेशा ही, और हमें पता है कि ऑर्नामेंट्स और रिंग्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए सारी की सारी बेल्स ऑर्नामेंट्स का पार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सारी बेल्स ऑर्नामेंट्स का पार्ट हो जाएंगी तो फिर रिंग्स भी ऑर्नामेंट के अंदर आ जाएंगे, जो कि गलत है, क्योंकि रिंग्स और ऑर्नामेंट्स में कुछ भी सेम नहीं हो सकता या कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपकी स्टेटमेंट डी यहां पे सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9। गिवन बिलो आर टू प्रीमाइसेस विद फोर कंक्लूजंस। तो यहां पे भी आपको दो प्रीमाइस दिए, चार कंक्लूजन दिए, तो चलिए देखते हैं इसको। फर्स्ट प्रीमाइस क्या है? ऑल डॉग्स आर मैमल्स। तो ये आपके डॉग्स एंड दिस बिगर सर्कल इज मैमल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नो कैट्स आर डॉग्स। यहां पे कोई भी कैट डॉग का पार्ट नहीं हो सकती, तो ये आपका कैट हो गया। तो ये हमारा एक पॉसिबल डायग्राम है, हम और भी इसके डायग्राम्स बना सकते हैं। तो चलिए अब हम कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन है, नो कैट्स आर मैमल्स। कोई भी कैट मैमल नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट डायग्राम में तो आपका पहला कंक्लूजन वैलिड हो रहा है, बट अगर मैं एक और डायग्राम बनाऊं इन दोनों प्रीमाइसिस का, तो ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ये तो ऐसे ही है, एंड कैट्स को मैं मैमल्स के साथ इंटरसेक्ट करा सकता हूं, क्योंकि कैट्स और डॉग्स के बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, बट कैट्स और मैमल्स के बीच में तो कॉमन हो सकता है, राइट। तो अब आप फर्स्ट कंक्लूजन को देखो, नो कैट्स आर मैमल्स। तो इस केस में, सेकंड वाले डायग्राम में, हमारा फर्स्ट कंक्लूजन वैलिड नहीं है, राइट। तो मैंने आपको बताया था, अगर हमारा कंक्लूजन एक भी केस में फॉल्स हो जाता है तो हम उस कंक्लूजन को वैलिड नहीं मानते। तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया, क्योंकि कुछ कैट्स मैमल्स हैं सेकंड डायग्राम में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सम कैट्स आर मैमल्स। तो ये स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट डायग्राम से गलत हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए, कोई भी कैट मैमल का पार्ट नहीं है, तो कैट और मैमल में कुछ भी कॉमन नहीं है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डायग्राम, तो हमारी सेकंड कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गई। थर्ड है हमारा, नो डॉग्स आर कैट्स। तो देखिए, ये हमेशा सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि अगर आप सेकंड प्रीमाइस को देखें, नो कैट्स आर डॉग्स, अगर कैट्स और डॉग्स के बीच में कुछ भी सेम नहीं है, तो नो डॉग्स आर कैट्स भी सही होगा, तो हमारा थर्ड वाला सही होगा, राइट। क्योंकि चाहे आप बोले नो कैट्स आर डॉग्स, और चाहे आप बोलो नो डॉग्स आर कैट्स, बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये मैंने आपको कन्वर्जन के टाइम भी बताया था कि ई टाइप स्टेटमेंट को आप ई टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इस वाले को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इस वाले को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो थर्ड हमारा कंक्लूजन वैलिड है। और फोर्थ देखते हैं, नो डॉग्स आर नॉन मैमल्स। अब इसको आप ध्यान से देखिए, आपका यहां पे दो बार नेगेटिव चीज आ रही है, एक बार तो आपका नो और एक बार आपका नॉन मैमल्स, राइट। तो इसको आप ध्यान से समझिए, यहां पे हमें कह रहे हैं कोई भी डॉग नॉन मैमल नहीं है,
इसका मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये बोल रहे हैं ऑल डॉग्स आर मैमल्स। इस स्टेटमेंट का मतलब यहां पे ये निकल रहा है, अगर कोई भी डॉग नॉन मैमल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे डॉग्स मैमल्स हो गए। और ये चीज हमें प्रीमाइस वन में ऑलरेडी दे ही रखी है, तो हमारी फोर्थ वाली जो है वो भी हमारी सही हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पे हो गया ऑप्शन सी, हमारी थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन जो है वो वैलिड है। तो हम अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 पे पहुंच गए हैं। अमंग द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस, तो यहां पे आपको चार प्रोपोजिशन दी है, 1, 2, 3 एंड 4, टू आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट बोथ ऑफ देम टूगेदर कैन नॉट बी फॉल्स ऑल्दो दे मे बोथ बी ट्रू। तो यहां पे कह रहे हैं ऐसी दो प्रोपोजिशन पहचानी है जो दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती बट दोनों एक साथ ट्रू हो सकती हैं। तो जब मैंने आपको स्क्वेयर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी कि जो सब कॉन्ट्ररीज हैं, सब कॉन्ट्ररीज कौन है, आपकी आई टाइप एंड ओ टाइप कैटेगोरिकल स्टेटमेंट। तो मैंने आपको बताया था ये दोनों टाइप की जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये दोनों एक साथ ट्रू हो सकती हैं बट एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती। तो आई टाइप की स्टेटमेंट कैसी होती है आपकी, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, सम डॉग्स आर कैट्स, और ओ टाइप कैसे होती है, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। तो मैंने आपको बताया था ये दोनों एक साथ ट्रू हो सकती हैं बट एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती। तो चलिए अब हम ऑप्शंस देखते हैं। तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट और सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, आपकी ये प्रोपोजिशन टू और प्रोपोजिशन फोर। तो प्रोपोजिशन टू जो है वो तो आपकी आई टाइप प्रोपोजिशन है और प्रोपोजिशन फोर जो है वो आपकी ओ टाइप प्रोपोजिशन है। जबकि अगर आप प्रोपोजिशन वन देखें तो वो आपकी ए टाइप है और प्रोपोजिशन थ्री देखें तो वो आपकी ई टाइप है। तो हमें पता है आई और ओ जो हैं वो हमारे सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स होती हैं या सब कॉन्ट्ररी प्रोपोजिशंस होती हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोपोजिशन टू एंड फोर। तो फ्रेंड्स ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं फ्रॉम द टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डाउट भी आता है। बट ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है अगर आप मेरी वीडियो फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने इस टॉपिक को काफी सिंपली आपको समझाया है, सिलॉजिज्म और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को। तो अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आप इजीली इस टॉपिक में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करने में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फ्यूचर में आने वाली और वीडियोस का भी बेनिफिट उठा पाएं। इसके अलावा आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें जिसमें मैंने कंसेप्ट्स आपको समझाए हैं, कंसेप्ट्स रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन और सिलॉजिज्म के मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझाए हैं, तो वो आपको जरूर देखने चाहिए, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। सो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, प्रिपेयर वेल, वर्क हार्ड, हैव अ नाइस डे।